अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। आइए आइए, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास बैठो। दरअसल मैं तुम्हें ही बताने के लिए आई थी कि मैं और मेरा बेटा हम उम्रे पे जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बस मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। माफ़ी? कैसी माफ़ी? माफ़ी इस बात की बेटा कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हर वक्त तुम्हें मैं ताने देती रहती थी, कुछ ना कुछ मैं तुम्हें गलत सलत बोलती रहती थी, मगर तुमने पड़ोसी होने के नाते कभी पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी बड़ी हैं, मैंने आपकी किसी बातों का कभी बुरा नहीं माना, बल्कि ये सोचा कि आपने जो भी बात की मेरे इस्लाह के लिए की होगी। इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बस आप अल्लाह के घर खैरियत से जाएं और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी अपने घर बुला लें। ये भी कोई कहने वाली बात है? जब बंदा अल्लाह के घर जाता है ना, तो वहाँ गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं करता है, सबके लिए दुआ मांगता है, और अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है और हमारी दुआ भी कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलो भाई, बस अब इसी खुशी में ना आज मैं तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना खाकर जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे अपने हाथ का पका हुआ खाना खिलाना नहीं चाहती? इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे भी माफ नहीं किया। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, तुम मुझे बताओ ना, इतना झिझक क्यों रही हो? दरअसल आपा, आज जो मैंने खाना बनाया है ना, वो हमारे लिए तो हलाल है पर आपके लिए हराम। मेरे लिए हराम है और तुम्हारे लिए हलाल है? बेटा कहना क्या चाहती हो तुम? दरअसल बात ये कि पिछले 10 रोज से मेरे घर में मुस्तकिल फाके चल रहे हैं। आशिक, अब बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। रानी रानी रानी, ये लो इसे पका दो। ये क्या है? ये तो मुर्दा है। या अल्लाह, मेरा पड़ोसी 10 रोज से भूखा और मुर्दा गोश्त खाने पे मजबूर था, ये मुझसे क्या गुनाह हो रहा था? हे अल्लाह बेटा, मैं और मेरा बेटा अब उम्रे पे नहीं जाएंगे, बल्कि वो पैसे मैं अब तुम्हें दे दूंगी। तुम वो पैसे अपने शोहर को देना और उनसे कहना कि कोई अच्छा सा कारोबार करें। मगर आपा, कोई अगर मगर नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे घर आ गई। मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करता और मेरा उम्रा भी कबूल नहीं होता। मेरा पड़ोसी तकलीफ में और मैं उम्रे पे जा रही हूँ। तो देखा व्यूअर्स, आपने हमारी कहानी बनाने का मकसद ये है कि अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोसी पे नजर रखें कि वो किस हाल में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के बहुत सारे हुकूक बयान फरमाए हैं और अल्लाह ताला हुकूक के लिबाद को पसंद फरमाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।